कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक विजय पर नीमच के कांग्रेसियों ने लायंस पार्क के सामने चिंतन चौक पर जमकर जश्न मनाया। इस मौके पर कांग्रेसजनों ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाइयां दी। डॉक्टर संपत स्वरूप जाजू ने कहा कि मोदी का मुखड़ा और मोदी का दुखड़ा नहीं चला। उमराव सिंह गुर्जर ने कहा कि कर्नाटक के विजय के बाद अब हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। इस मौके पर कांग्रेसियों ने जय कांग्रेस और जय बजरंग बली के नारे लगाए। कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य सहित कांग्रेस जन उपस्थित रहे। कर्नाटक चुनाव और जनता की खुशी और कांग्रेस इस बात की खुशी मना रही है कि कर्नाटक से जो शुरुआत हुई है अब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का सरकार होने का रास्ता साफ होने जा रहा है। आज जो देश की जनता सोचती है भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ जो धोखा किया है, जो वादे उनने किए थे वो वादे पर खड़े नहीं उतरे, इसलिए पूरे देश की जनता ये चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी अब सरकार नहीं रहेगी। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से हरा कर जवाब दिया। ये कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता और नीमच जिले के जो लोग हैं वो उत्साह के कारण कि कर्नाटक के अंदर जिस तरह से कांग्रेस ने अपना परचम लहराया, कांग्रेस ने जिस तरह से वहाँ से रणनीति से चुनाव लड़ा, वो उसका जश्न मनाया जा रहा है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर और कमलनाथ जी के नेतृत्व में भी हम आने वाले समय के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर भी कर्नाटक को दोहराएंगे। एक बात है, न तो मोदी जी का मुखड़ा चला न उनका दुखड़ा चला, राहुल जी का 40% दौड़ा। राहुल जी के नेतृत्व के अंदर, प्रियंका जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा उसके परिणाम आप सबके सामने हैं। किसी मोदी जी जो धर्म की आड़ लेके बात कर रहे थे उनको बता दिया कि बजरंग दल और बजरंग दल के बजरंगी के भक्तों के अंदर कितना अंतर है। बजरंग के भक्त जीते, बजरंग दल कहाँ है ये सबको मालूम है। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।